हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हानिराम डा। आज अपने कुछ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लो वॉल्यूम स्प्रे में घोल की मात्रा होती है। देखो, जो स्प्रे का घोल बनाते हैं उसकी जो कुल मात्रा होती है उसके हिसाब से घोल को तीन भागों में बांटते हैं, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और अल्ट्रा लो वॉल्यूम। देखो, अगर 400 लीटर प्रति हेक्टर से ज़्यादा अपने घोल का छिड़काव करते हैं, 400 लीटर प्रति हेक्टर से ज़्यादा घोल का छिड़काव करते हैं तो वो होता है हाई वॉल्यूम स्प्रे, और 500 से 400 लीटर घोल का छिड़काव प्रति हेक्टर करते हैं तो वो लो वॉल्यूम स्प्रे होता है, और 5 लीटर से कम प्रति हेक्टर का छिड़काव करना पड़े तो वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम घोल होता है या अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे होता है। तो यहाँ पूछा है, लो वॉल्यूम स्प्रे में घोल की मात्रा होती है, तो ये घोल की मात्रा 1 हेक्टर के लिए पूछी जाती है, तो 500 से 400 लीटर तक होती है, यानी पहले का वह ऑप्शन राइट है, दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, कम दबाव वाले स्प्रेयर में कौन सा नोजल काम में लेते हैं। ज्यादातर 3 तरह के नोजल होते हैं, एक होलो कोन नोजल होता है, एक सॉलिड कोन नोजल होता है, एक फैन नोजल होता है। जो फैन नोजल होता है वो कम दबाव वाले स्प्रे में काम में लिया जाता है, तो यानी दूसरे का सही ऑप्शन राइट है, फ्लैट फैन नोजल होता है या फैन नोजल भी बोल देते हैं इसको, फ्लैट फैन या फैन नोजल होता है वो कम दबाव वाले स्प्रेयर में काम में लिया जाता है जिसमें दबाव कम बनता है, तो दूसरे का सही ऑप्शन राइट है। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि होलो कोन नोजल है ये मध्यम दबाव वाले स्प्रेयर में काम में लिया जाता है, और जो सॉलिड कोन नोजल वाला होता है वो अधिक दबाव वाले स्प्रेयर में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, नैपसैक हैंड स्प्रेयर में वायु दाब रखा जाता है। नैपसैक हैंड स्प्रेयर में वायु दाब जो रखा जाता है वो 3 से 4 किलो प्रति घन सेंटीमीटर रखा जाता है, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है, 3 से 4 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है, तीसरे का दे ऑप्शन राइट है। नैपसैक स्प्रेयर कौन सा होता है, देखो ये जो पास में डायग्राम दिया हुआ है ये नैपसैक स्प्रेयर का है, और भारत में जो ज्यादातर स्प्रे के लिए काम में लिया जाता है उसको नैपसैक स्प्रेयर को ही काम में लिया जाता है। इसका जो टैंक होता है कई बार उसकी मात्रा पूछ ली जाती है, तो सॉरी टैंक का वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, टैंक का आयतन पूछ लिया जाता है। ज्यादातर जो मार्केट में इसका जो मार्केट में ये नैपसैक स्प्रे आता है उसमें टैंक का जो साइज होता है वो 16 लीटर का होता है, वैसे 10 से 20 लीटर एवरेज अगर पूछे तो 10 से 20 लीटर और फिक्स पूछे तो 16 लीटर का इसका टैंक होता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो स्प्रे की जाती है वो हैंड नैपसैक स्प्रेयर से ही की जाती है, एक आदमी एक दिन में इससे आधे हेक्टर से 1 हेक्टर का एरिया कवर कर सकता है, यानी एक मजदूर होता है वो एक दिन में इस स्प्रेयर से आधे से 1 हेक्टर का एरिया कवर कर सकता है, तो तीसरे का दया ऑप्शन राइट है। उसके अलावा देखो ये वायु दाब दिए हुए हैं यहाँ पे जो 0.15 से 0.35 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हैंड एटमाइजर का होता है, हैंड एटमाइजर आप जानते होंगे जैसे पार्लर की दुकान या जैसे नाई की दुकान होते हैं उसमें जो पानी छिड़कने का होता है उस तरह का ये हैंड एटमाइजर होता है, वो भी हैंड एटमाइजर ही होता है। तो हैंड एटमाइजर का जो वायु दाब है वो रखा जाता है 0.15 से 0.35 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 2 से 3.5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये होता है हैंड कंप्रेसर स्प्रे रहता है उसका होता है, और 14 से 18 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रोकरी स्प्रे रहता है, बाग में काम में लिया जाता है, जो बड़ी झाड़ियां या पेड़ होते हैं उनपे स्प्रे करने के काम में लिया जाता है रोकरी स्प्रे, उसके अंदर इतना वायु दाब होता है। इसमें वायु दाब इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पानी ऊंचाई तक फेंकना होता है इसलिए, तो तीसरे का यहाँ पे दे ऑप्शन राइट था आपने। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, बाग में काम में लिया जाता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हैंड एटमाइजर, हैंड एटमाइजर होता है ये तो घर में अपने जैसे किचन गार्डनिंग है या घर में अपने ऑर्नामेंटल गार्डन बना हुआ है छोटा, मतलब सुंदर अलंकृत उद्यान बना उसमें काम में लेते हैं हैंड एटमाइजर। बे ऑप्शन है हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर, हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर होता है ये भी सामान्य फसलों में ही काम में लिया जाता है और ये इतना कमर्शियली यूज नहीं आता है। तीसरा है नैपसैक हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर, नैपसैक हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर ये अपने पीछे बात कर रहे थे, भारत में सबसे ज्यादा यही प्रचलित है, लेकिन ये जो सस्य विज्ञान की फसलें या छोटी फसलें हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है क्योंकि ये बेक पे लटका के स्प्रे की जाती है, इसमें इतना प्रेशर नहीं होता कि ये बड़ी झाड़ियों या पेड़ों के ऊपर तक पानी फेंक दे या स्प्रे का घोल फेंक दे। डी ऑप्शन है, द ऑप्शन है फुट और पेडल स्प्रेयर, फुट और जो पेडल स्प्रेयर होता है इसमें जो वायु दाब रखा जाता है वो 17 से 21 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है, यानी खूब वायु दाब होता है तो ये ऊपर तक पानी फेंक देता है, बाग में इसी को काम में लेते हैं, या फिर एक आता है अपने पीछे बात कर रहे थे रोकरी स्प्रेयर, उसमें वायु दाब 14 से 18 किलो होता है, तो
यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा फुट और पेडल स्प्रे, चौथे का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में ऊर्जा का स्रोत यानी भारत में जो कृषि है उसमें ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारत में ऊर्जा के कृषि के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत है वो सबसे पहला तो है ट्रैक्टर। भारत में सबसे ज्यादा जो फार्म है, खेत है, उनपे सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो ट्रैक्टर से होती है। 45.8% कुल ऊर्जा का 45.8% जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो ट्रैक्टरों द्वारा होता है। विद्युत मोटर द्वारा 26.8% होता है, पशुधन द्वारा 5.1% होता है और कृषि मजदूरों द्वारा 5% होता है। तो भारत में कृषि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ट्रैक्टर, 5 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जल भराव मृदाओं में उपयोगी नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। तो जल भराव मृदाओं में नाइट्रोजन धारी उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट, सबसे बढ़िया हो गया होता है क्योंकि जल भराव वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया अवस्था में अनोक्सीकृत जोन में दिया जाता है। तो 6 का ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को फसल में देते हैं। देखो जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं जो नाइट्रेट अवस्था में पाए जाते हैं वो जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं, जल में घुलकर वो निक्षालन से उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए अपने उनको एक साथ नहीं देते हैं। जैसे फास्फोरस और पोटासिक उर्वरक एक साथ दे देते हैं, वैसे एक साथ नहीं देंगे वो, उसको क्या है डिवाइड कर लेंगे, 3-4 स्प्लिट डोज बोलते हैं उसमें डिवाइड कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको प्रदान करते हैं। तो 7वें का बी ऑप्शन राइट है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक है। तो यूरिया है वो अम्लीय प्रकृति का उर्वरक होता है, 8 का ए ऑप्शन राइट है, ये मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, डाई कैल्शियम फास्फेट कौन सा है। डाई कैल्शियम फास्फेट है Ca2HPO42, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, 9 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, रोपण फसलों में सर्वाधिक प्रयोग किस फास्फोरस उर्वरक का करते हैं। रोप फास्फेट का करते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे बिल्कुल क्या होता है उपलब्ध होता है, न तो ये अम्ल में घुलनशील होता है न ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए ये धीरे धीरे पौधों को मिलता है, इसलिए जो रोपित फसलें होती है उनके अंदर जो उपयोग में लिया जाता है वो रोप फास्फेट काम में लिया जाता है। 10 का बी ऑप्शन राइट है, रोप फास्फेट। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूर्णतया निर्मित उर्वरक है। तो भारत में पूर्णतया निर्मित उर्वरक DAP है, डाई अमोनियम फास्फेट है, 11 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, पर्णीय छिड़काव में यूरिया में बायोरेट की सांद्रता रखते हैं। तो बायोरेट की सांद्रता पर्णीय छिड़काव में 0.25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन राइट होगा जिसमें 0.20 से लेकर 0.30% दिया हुआ, 12 का डी ऑप्शन राइट है। अगर अपने ठोस रूप में उपयोग में लेते हैं तब तो मात्रा 1.5% होती है और पर्णीय छिड़काव में लेते हैं तो 0.25% से कम होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, खेरा रोग की रोकथाम है। तो खेरा रोग धान में होने वाला रोग है जो जिंक की कमी से होता है, तो खेरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव करना चाहिए, तो 0.5% का छिड़काव करना चाहिए, 13 का द ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई के साथ खड़ी फसल में छिड़कर उर्वरक देना कहलाता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सिंचाई के साथ खड़ी फसल में छिड़क कर उर्वरक देना, उर्वरक तो हम छिड़क कर ही दे रहे हैं, सिंचाई के साथ दे रहे हैं, सिंचाई से पहले दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, ये सब टॉप ड्रेसिंग होता है। सिंचाई जल के साथ देते तो फर्टिगेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट सीधा सीधा क्या करेगा, सिंचाई और फर्टिलाइजर उर्वरक देखेगा और फर्टिगेशन कर देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसने ये पूछा सिंचाई के साथ, जैसे अपने चारे के लिए जैसे जई लगाते हैं तो उसमें पानी देते हैं, उस समय यूरिया डाल देते हैं उसमें, तो यूरिया ऊपर से डाल रहे हैं तब तो वो टॉप ड्रेसिंग है, अगर पानी में घोल कर देते तब क्या होता, फर्टिगेशन होता, और पानी के साथ घोल कर छिड़काव करते तो पर्णीय छिड़काव फोलियर स्प्रे होता। तो ये गौर से देखो क्वेश्चन, देखिए सिंचाई के साथ, सिंचाई तो हो रही है खड़ी फसल में अपने छिड़क कर उर्वरक दे दिया, सीधा उर्वरक को छिड़क दिया कहलाता है, ये तो टॉप ड्रेसिंग ही कहलाएगा, 14 का सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं स्टूडेंट, इस पे गौर करना। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, डाई अमोनियम फास्फेट में P2O5 है, नाइट्रोजन का अंश प्रतिशत क्रमशः कितना होता है। तो DAP के अंदर जो फॉस्फोरस होती है वो 48% और नाइट्रोजन होती है वो 16%, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। हालांकि 46% फास्फोरस की भी ग्रेड आती है लेकिन तब उसमें नाइट्रोजन 18% हो जाता है, और जब फास्फोरस 48% होता है तब नाइट्रोजन 16% होता है, तो 15 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उर्वरक नियंत्रण आदेश फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर भारत में कब लागू हुआ था। ये हुआ था 1985 में, 1985 में।
तो 16 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, थायो यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो थायो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 36.8% होती है। 17 का सी ऑप्शन राइट है, 17 का सी ऑप्शन राइट, 36.8%। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, बाजार के पास बाग लगाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो बाजार के पास बाग लगाने की उपयुक्त विधि होती है षटभुजाकार, हेक्सागोनल। 18 का द ऑप्शन राइट है। इसमें वर्गाकार विधि की तुलना से 15% अतिरिक्त फल वृक्ष भी लगते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बाग लगाने की कौन सी विधि सबसे प्रचलित विधि है? तो बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि है वर्गाकार स्क्वायर सिस्टम है। 19 का ऑप्शन राइट। सबसे बढ़िया विधि भी यही है। इसमें अंतरशस्य क्रियाएं करना भी आसान होता है और इसका रेखांकन करना भी आसान होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, नारियल में प्राकृतिक साइटोकाइनिन के रूप में पाया जाता है? तो नारियल में प्राकृतिक साइटोकाइनिन पाया जाता है काइनेटिन। 20 का बी ऑप्शन राइट है, काइनेटिन। और जो जियाटिन है वो मक्का में, ये भी एक साइटोकाइनिन होता है। मक्का में प्राकृतिक साइटोकाइनिन जियाटिन होता है और नारियल में काइनेटिन होता है। मिथ्योनिन दिया हुआ है, ये मिथ्योनिन होता है वो इथिलिन का अग्रक होता है यानी पुरोगामी होता है। 20 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सेंसर मैकेनिज्म का संबंध किस खरपतवार से? देखो सेंसर मैकेनिज्म क्या होती है, वीड कंट्रोल की जो सीड डिस्पर्सल टेक्निक होती है उससे संबंधित होती है। ये सत्यानाशी से संबंधित होता है। तो 21 का सी ऑप्शन राइट है, सत्यानाशी, जिसको अपने मैक्सिकन पॉपी भी कहते हैं या आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको कहा जाता है, इससे संबंधित है। 21 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर, फेलेरिस माइनस किस खरपतवार का नाम है? तो ये है गुल्ली सिटी या गेहूंसा या बर्ड सीट ग्रास या फिर इसको मंडूसी भी कहते हैं। तो गेहूंसी का ही नाम है मंडूसी। 22 का बी ऑप्शन राइट है, मंडूसी, मंडूसी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, ज्वार एवं बाजरा का मुख्यतः कौन से शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? तो एट्राजिन का उपयोग किया जाता है। 23 का डी ऑप्शन राइट है, एट्राजिन। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में सीआरआई अवस्था पर पत्तियों की संख्या होती है? देखो सीआरआई अवस्था बुआई के 21 दिन बाद आती है, यहाँ पर पत्तियों की संख्या पूछिए, तो पत्तियों की संख्या 3 से 5 होती है सीआरआई स्टेज पे। 24 का सी ऑप्शन राइट है, 3 से 5 पत्तियां। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेनिल एक शाकनाशी है? प्रोपेनिल एक जो शाकनाशी है वो है पोस्ट इमरजेंस है यानी अंकुरण के बाद उपयोग में किया जाता है, जिसको पीओई कहते हैं। तो 25 का सी ऑप्शन राइट है, ये सामान्यतः बुआई के 30 से 35 दिन बाद, बिजाई के 30 से 35 दिन बाद उपयोग करते हैं, इससे भी बाद में उपयोग कर लेते हैं अपने। तो ये पीओई है यानी पोस्ट इमरजेंस टाइप का एक खरपतवार नाशी होता है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, केओलिन का छिड़काव से पत्ती की सतह पर वाष्पोत्सर्जन में कमी इसलिए आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि ये क्या करता है, केओलिन छिड़कने से परावर्तन हो जाता है। जो सूर्य किरणें आती है तो वो जैसे ही पत्ती के टकराती है तो सारी की सारी क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। सारी की सारी जब परावर्तित हो जाएगी तो पत्ती का तापमान नहीं बढ़ेगा, पत्ती का तापमान नहीं बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रतिबिंबन वर्धि से यानी 26 का सी ऑप्शन राइट है, यानी परावर्तन के कारण क्या करती है, ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जलवायु की अभिव्यक्ति करता है? देखो बरसाती है ये मौसम है, बादल है ये भी मौसम है, कोहरा युक्त ये भी मौसम है, शुष्क मौसम नहीं, शुष्क एक जलवायु है। मौसम के लंबे समय के औसत को क्या कहा जाता है, जलवायु। तो यहाँ जो शुष्क शब्द है वो जलवायु की अभिव्यक्ति करता है, अपने शुष्क जलवायु बोल सकते हैं जैसे एरिड क्लाइमेट, तो शुष्क शब्द अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, शुष्क मृदाओं में बीज दर कितने % ज्यादा रखते हैं? सामान्य से 10 से 15% बीज ज्यादा रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ नमी की मात्रा कम होती है, बीज अंकुरण प्रतिशत कम आता है, इसलिए अपने क्या करेंगे, पहले से ही 10 से 15% बीज की मात्रा अतिरिक्त रखेंगे। तो 28 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं में फसल की उपज घट जाती है क्योंकि? देखो अपने 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, इन मृदाओं में जल का आसानी से संचलन नहीं हो पाता, ये बात तो नहीं सही है, ये तो गलत है। इन मृदाओं के अवप्रस्थ में कठोर स्तर रहता है, लवणीय मृदाओं में कठोर स्तर नहीं रहता है, सारी मृदाओं में बनता है कठोर स्तर, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, इन मृदाओं की सतह पपड़ीदार होती है जो कि अंकुरण को प्रभावित करती है, पपड़ीदार नहीं होती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, जड़ों के चारों ओर मृदा विलयन का उच्च प्राशनी दाब हो जाता है, ये बात ठीक है। लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है
तो मृदा घोल की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे जड़ों का पानी बाहर की तरफ आने लग जाएगा, जिसे बाह्य प्रसरण कहते हैं, क्योंकि जो मृदा का घोल है वो उच्च प्रसरणी दाब वाला हो जाएगा। तो 29 का डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण व मार्केटिंग अधिनियम यानी एगमार्क बना था, एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट कब बना था? ये 1937 के अंदर बना था, मार्केट में प्राइस कंट्रोल करने के लिए। तो 30 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संपर्क शाकनाशी है? संपर्क शाकनाशी क्या होता है? संपर्क शाकनाशी वो होता है जो पौधे के जितने भाग में संपर्क में आता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यहाँ संपर्क शाकनाशी यानी कॉन्टेक्ट वीडिसाइड का एग्जाम्पल है पेराक्वाइट। 31 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का अनुहरण खरपतवार कौन सा है? अनुहरण को क्या बोलते हैं, नकलची या फिर मिमिक्री वीड कहा जाता है। तो गेहूं का होता है नकलची वीड, मंडूसी या फिर गेहूसा, जिसका बोटनिकल नेम होता है फ्लोरेसिस माइनर, यानी 32 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, नियाटिनिया ब्रुंची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण? नियाटिनिया ब्रुंची है वो एक बीटल है जो जलकुंभी को खाकर नष्ट कर देता है, और जलकुंभी का बोटनिकल नेम होता है पिस्टिया स्ट्रेटियस। तो जो ये नेटिनिया ब्रुंची है ये पिस्टिया स्ट्रेटिस यानी जलकुंभी का जैविक नियंत्रण है, और इसका उपयोग 1982 में यूएसए में किया गया था जलकुंभी के नियंत्रण के लिए। तो 33 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 45 नंबर सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है? देखो मैदानी भागों में जो नई जलोढ़ मृदा होती है जो पानी के साथ बहकर आती है यानी एलुवियल सॉइल होती है, उसको खादर कहा जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल होती है जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों के कोलर भाग में, तो उसको बांगर कहा जाता है, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को तो बांगर और नई को खादर। तो 35 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, मृदा नमी ज्ञात करते हैं? तो मृदा नमी टेंशियोमीटर से ज्ञात करते हैं। 36 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में स्थिर होता है? कैल्शियम और बोरोन स्थिर होते हैं, और ये शीर्ष भाग में इनकी कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो 37 का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कैल्शियम दिया हुआ है तो 37 का सी। और सबसे ज्यादा गतिशील होता है वो नाइट्रोजन होता है, और सबसे कम गतिशील सबसे अधिक मतलब अगतिशीलता जो होती है प्लांट्स में वो कैल्शियम की होती है, मृदा में तो फास्फोरस की होती है, पौधों में कैल्शियम की होती है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, आलू की फसल के लिए उपयोगी पोटाशधारी उर्वरक होते हैं? देखो जो भी कंद वाली फसलें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है यानी स्टार्च का संचय होता है और शर्करा का संचय होता है, उनके लिए पोटेशियम क्लोराइड तो खतरनाक रहता है, तो वहां पोटेशियम सल्फेट सबसे बढ़िया होता है। तो 38 का बी ऑप्शन राइट है, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने में सहायक जीवाणु है? जो नाइट्रेट होती है पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था होती है, अगर इसको वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल दिया जाए तो इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है बेसिलस थ्यूरोजेनेंसिस जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा। तो 39 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, मोनो कैल्शियम फास्फेट उर्वरकों का उपयोग कौन सी मृदाओं में किया जाता है? मोनो कैल्शियम फास्फेट होता है, इसका उपयोग लवणीय या क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। 40 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 26% होती है, इसको किसान खाद भी कहते हैं या केन खाद भी कहते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 25 से 26% तक होता है, ज्यादातर 25 वाली ग्रेड होती है। जो 25 वाली ग्रेड होती है उसमें 12.5% तो नाइट्रोजन मिलता है अमोनिकल फॉर्म में, और 12.5% होता है वो नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है, और ये उदासीन प्रकृति का होता है। तो 41 का राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 42 नंबर, गेहूं फसल के लिए उपयोगी उर्वरक जैव उर्वरक है? ऑप्शन देखते हैं इसके चारों, एजोला ये तो धान के लिए है और ये हरी खाद के रूप में भी धान में काम में ले लिया जाता है। बी ऑप्शन है एजेक्टोबैक्टर, ये अनाज वाली फसलों के लिए है। तो 42 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एजेक्टोबैक्टर संवर्धन। उसके अलावा और ऑप्शन देखते हैं, नील हरी शैवाल ये भी धान वाली फसल के लिए है, एजो राइजोबियम है ये दलहनी फसलों के लिए है। तो 42 का राइट आंसर था बी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जड़ परासरी खरपतवार है? और बंकी है वो जड़ परासरी खरपतवार है, ये ज्यादातर तंबाकू सोलेनेसी की फसलों और सरसों आदि को प्रभावित करता है। इसको कंप्लीट रूट पैरासाइट या टोटल रूट पैरासाइट भी कहते हैं, पूर्णतः जड़ परजीवी खरपतवार कहते हैं।
43 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्न में से शाकनाशी कौन सा नहीं है? प्रोपिक के नोजोल नहीं है, पेंडामेथालिन है, प्रोपेनिल है, लासो है, तो 44 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, कॉपर की कमी से होता है, कॉपर की कमी से डाईबैक होता है, तो 45 का ए ऑप्शन राइट है। इसके अलावा इसमें जे का ग्रे स्पाइक दिया हुआ है, तो ये तो मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खेरा रोग है, ये जिंक की कमी से होता है, और मक्का का सफेद कली का रोग व्हाइट बर्ड है, ये भी जिंक की कमी से होता है, तो 45 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, अधिक वाष्पीकरण मृदा को बनाता है, जहां अधिक वाष्पीकरण होगा वहां लवण सारे घुल कर वो जमीन की सतह पर आ जाएंगे, जिससे मृदा लवणीय होगी, सेलाइन होगी, तो 46 का ए ऑप्शन राइट होगा। और जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है यानी वहां शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में मृदा लवणीय होने के ही चांसेस रहते हैं, 46 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, इल्यूवेशन खंड वह है जिसमें, देखो इल्यूवेशन खंड क्या होता है, जो ए संस्तर होता है मृदा में, संस्तर होते हैं ए, फिर ई, फिर बी, फिर सी, तो ए संस्तर होता है, ए का जो ए टू भाग होता है उसी को ई संस्तर कहते हैं। यानी ई संस्तर से जैसे सक्ष ऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, या फिर सिलिका वगैरह, वो पानी के साथ घुलकर निक्षालन से B2 संस्तर में आकर जमा हो जाती है, यानी बी संस्तर में आके जमा हो जाती है, जिसको एल्यूवेशन कहा जाता है। तो एल्यूवेशन का मतलब होता है संचयन, जो बी संस्तर में होता है, तो खंड वह है जिसमें संचयन होता है, 47 का मतलब, 47 का राइट आंसर होगा बी संचयन। पूछ ले कि एल्यूवेशन होता कौन से संस्तर में है, तो कौन से में होता है, बी संस्तर में होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, विदेशी नस्ल होलस्टीन फ्रीजियन का उद्गम स्थान है, यानी उसका मूल स्थान है, तो उसका मूल स्थान है हॉलैंड, 48 का डी ऑप्शन राइट है, हॉलैंड। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, पौधों के बिना मृदा के उगने की तकनीक को कहते हैं, यानी बिना पानी के पौधों का उगना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, पानी में जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स बोलते हैं, तो 49 का सी ऑप्शन राइट है। अगर सीधे हवा से ही पौधे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जड़ें जो है हवा में लटकती हुई नमी और पोषक तत्व ग्रहण करती है, तो उसको एरोपोनिक कहते हैं, और पानी में जो सीधा लग जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, तो 49 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, दुर्गापुरा सफेद किस्म है, दुर्गापुरा जो सफेद किस्म है वो ग्वार की किस्म है, 50 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, कपास के बढ़ने की अवस्था में प्रारंभ में ज्यादा सिंचाई देने से घटता है, तो कपास में शुरू में अगर आपने जरूर से ज्यादा पानी दे दिया तो जड़ बनना कम हो जाता है, 51 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, भेड़ की विदेशी नस्ल है, पूगल देशी है, मालपुरा विदेशी है, मारवाड़ी विदेशी है, मेरिनो है ये विदेशी नस्ल है, 52 का डी ऑप्शन राइट है, मेरिनो। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी की द्विप्रजनीय नस्ल कौन सी है, प्लाउमोथ्रोक है, ये द्विप्रजनीय नस्ल है, अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, 53 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, मूरा भैंस का घर है, यानी मूरा जो भैंस है उसका मूल स्थान है हरियाणा, तो 54 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रधान ऊंट की नस्ल कौन सी, यानी मुख्य जो नस्ल है वो कौन सी है, बीकानेरी नस्ल है, 55 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका सीमोपोगोन फ्लेक्सस है, सीमोपोगोन फ्लेक्सस जो लेमन ग्रास है, इससे वाष्पशील तेल निकालकर जो लाइम लेमन की जो एरोमा होती है वो जैसे कॉस्मेटिक वगैरह में इनमें ऐड की जाती है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अंदर है, 57 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के लिए जो की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो राजस्थान के लिए लवण प्रतिरोधी उपयुक्त किस्म है Bl2, सी का सी ऑप्शन राइट है, 58 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 59 नंबर, भारत में कृषि का इतिहास जो बुक है वो किसने लिखी थी, वो MS रंधावा ने लिखी थी, 59 का सी ऑप्शन राइट है, MS रंधावा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, वरानी क्षेत्रों में वार्षिक विभव वाष्पन वाष्पोसर्जन होता है, कहने का मतलब जो वरानी क्षेत्र होते हैं वहां पे जो वाष्पीकरण और वाष्पोसर्जन होता है वो कितना होता है, वर्षा से अधिक, वर्षा से कम, वर्षा के बराबर, तापमान से ज्यादा, तो वर्षा से अधिक होता है, वर्षा से अधिक होता है, इसीलिए तो अपने इसको कौन सी जलवायु में रखा जाता है, शुष्क जलवायु में रखा जाता है, तो 60 का ए ऑप्शन राइट है, वर्षा से अधिक। अगर दोस्तों मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, थैंक यू।